गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हिंदी में हमने चैप्टर वन की स्टडी कर ली थी, अब हम चैप्टर सेकंड की स्टडी करेंगे। चैप्टर सेकंड है किसान और दैत्य। इसमें इस चैप्टर में एक किसान और एक दैत्य के बारे में कहानी है, तो सबसे पहले हम इसे रीड करेंगे। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक सीधा साधा किसान रहता था। वह गरीब था और किसी तरह अपनी गुजर बसर कर रहा था। उसके घर में उसकी पत्नी और दो बच्चे थे। उसके बच्चे स्कूल में पढ़ने चले जाते और पत्नी दिन भर घर का काम काज करती, पशुओं को चारा पानी देती। किसान दिन भर खेतों में काम करता। इस प्रकार उसका जीवन खुशी खुशी कट रहा था। इसमें क्या है कि एक किसान के बारे में बताया गया है कि बहुत समय पहले एक गांव में एक साधारण, बहुत सीधा साधा कौन था, किसान था, जो कि एक गरीब था। वो मतलब कैसे भी काम काज करके अपना पेट भरता था, अपनी परिवार का, बच्चों का और पत्नी का पेट भरता था। उसकी पत्नी जो थी वो भी घर के काम काज करती रहती थी और किसान जो था वो खेतों पर काम करने चला जाता था। इस प्रकार वो अपना जीवन जो है वो खुशी खुशी बिता रहे थे। एक दिन की बात है, किसान अपने खेत में गुड़ाई कर रहा था। वह पूरी तल्लीनता से अपने काम में जुटा हुआ था। वह दनादन अपना फावड़ा चला रहा था ताकि खेत जल्दी तैयार हो जाए और वह फसल बो सके। उसने अपने आसपास की कोई खबर नहीं थी। अचानक उसे लगा कि जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने अपनी दृष्टि ऊपर उठाई तो उसके होश उड़ गए। उसके सामने एक विशालकाय दैत्य खड़ा था। लंबी मूंछ, भयंकर चेहरा, दोनों हाथ कूल्हों पर खड़े हुए और दृष्टि किसान पर जमी हुई। उसे देखकर किसान बहुत डर गया। फिर भी हिम्मत से काम लेते हुए उसने कहा। जब एक दिन किसान काम कर रहा था खेत में, तो जब वो अपने खेत में मतलब खेत को गुड़ाई कर रहा था, तो उसने एकदम देखा कि उसके पास एक बहुत विशालकाय, बड़ा सा एक क्या खड़ा है, दैत्य खड़ा है, जिसकी लंबी लंबी मूछें हैं, भयंकर उसका चेहरा है और वो बहुत बड़ा है। ऐसा देखकर किसान क्या हो गया, डर गया। फिर उसने हिम्मत करी कि मैं पूछूं इससे कुछ, तो उसने फिर हिम्मत करी और फिर उससे कहा, दयानिधान, क्या आज्ञा है। उसने उस दैत्य से बोला कि हे दयानिधान, क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्या चाहते हैं। दैत्य बोला, यह खेत मेरे दादा का है, तुम इसमें जो कुछ भी पैदा करोगे उसका आधा भाग मैं लूंगा। वो जो दैत्य था उसने कहा किसान से कि जिस खेत में तुम काम कर रहे हो, अपना अनाज बो रहे हो, वो खेत जो है वो किसका है, मेरे दादा का है, तो इसलिए तुम इसमें जो भी कुछ पैदा करोगे वो उसका आधा भाग मैं लूंगा। किसान ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, इस खेत में जमीन के ऊपर जो भी उगेगा वह आपका होगा। किसान की बात से खुश होकर दैत्य चला गया। किसान ने खेत में आलू बो दिए।
जब दैत्य अपना हिस्सा लेने आया तो उसे टहनियाँ और पत्ते ही मिले, उसे एक भी आलू नहीं मिला क्योंकि आलू जमीन के नीचे लगे हुए थे। किसान ने जब दैत्य ने उससे बोला कि जब इसमें जो भी तुम कुछ उगाओगे वो उसका आधा हिस्सा मैं लूँगा, तो किसान ने थोड़ी देर सोचकर बोला कि ठीक है, आप इसका जो इसके ऊपर जो भी कुछ उगेगा वो आप ले लेना और नीचे का भाग मैं ले लूँगा। तो किसान ने क्या किया, एक चालाकी की, उसने क्या किया कि उसने जमीन में वहाँ खेत में क्या किया, आलू बो दिए। अब आलू तो जमीन में नीचे होता है, तो दैत्य के हिस्से में क्या आया, टहनियाँ और पत्ते। यह देखकर दैत्य क्रोध में भर गया। उसने किसान से कहा, अगली बार जो जमीन के नीचे उगेगा वह मेरा होगा। ऐसा कहकर वह चला गया। अब जब दैत्य के हिस्से में क्या ऊपर का भाग आया, टहनियाँ और पत्ते आए, तो दैत्य को क्या गुस्सा आ गया और उसने फिर अब बोला कि अब मैं जमीन के नीचे वाला भाग लूँगा और ऊपर वाला तुम। तो अब इस बार किसान ने फिर से चालाकी की और उसने क्या किया, इस बार किसान ने अपने खेत में गेहूं और मक्का बो दिए। फसल पकने पर जब वह उसे काट रहा था तो दैत्य आधम का उसने किसान से पूछा, मेरा हिस्सा कहाँ है? किसान ने नर्मता पूर्वक उत्तर दिया, आपका हिस्सा जमीन के नीचे है दयानिधान, आप अपना हिस्सा ले जाइए। जब किसान ने फिर क्या किया, चालाकी की और इस बार उसे ऊपर वाला भाग मिलता, तो उसने क्या किया कि मक्का और गेहूं को बो दिया जो कि ऊपर के भाग में होते हैं। तो फिर जब वो काट रहा था तो दैत्य वहाँ आया और उसने बोला, मेरा हिस्सा कहाँ है? तो उसने कहा कि आपका हिस्सा जमीन के नीचे है, आप अपना हिस्सा ले जाइए। दैत्य ने जमीन खोदकर अपना हिस्सा निकालना शुरू किया तो उसे केवल जड़ें मिली। उनका वह क्या करता, वह दो बार किसान की बुद्धि से हार गया। उसे अपने आप पर बहुत शर्म आई। वह वहाँ से चला गया और फिर कभी उधर नहीं आया। किसान फिर खुशी खुशी अपने दिन बिताने लगा।